मेरा नाम कासिम सुहेल है, मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। अभी जो इस एक्सपो में आने का मतलब यही था और मकसद भी यही था कि मैं यहाँ पे लाइक नॉलेज हासिल कर लूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जो फर्दर स्टडीज़ है MBA वो मैं फ़ौरन से कर लूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं कर लूँ UK या ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे जितने भी कंसल्टेंसी वाले बैठे हैं तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरह हमें गाइड किया, और मैं और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, जिस तरह के इवेंट्स एक्सपोज होते हैं, यहाँ से वो अपने आप को नॉलेज हासिल कर लें कि वो फर्दर क्या कर सकते हैं फ़ौरन में। क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हम जो अब्रॉड में हम जाके कर ले और हमारे जो प्रोसेस क्या होगी, तो ये जो लोग हैं ये आपको सही तरह गाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस, कितनी कॉस्ट आएगी और क्या क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स चीज़ें। तो मैं और भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सायरा है और मैं FES में एज ए काउंसलर काम करती हूँ। यहाँ पे जो एक्सपो हो रहा है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को फ्री गाइडेंस दे रहे हैं अबाउट दी यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, उनकी कोर्स के हवाले से, उनकी फील्ड के हवाले से। जितने भी फीमेल्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन के हवाले से गाइड कर रहे हैं। मैं अब्दुल रिहान यूनिवर्सिटी से BS फिज़िक्स कर रहा हूँ, अभी 8th सेमेस्टर है। और कुछ इन्फॉर्मेशन, कल एक दुकान से मिले, उधर एक बैनर, एक छोटा सा बैनर लगा हुआ था कि कल इधर एक्सपो है। तो इस सोच के साथ आए कि इधर हम जितने भी इधर लोग बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ कंट्रीज़, स्पेशली UK या USA, उनके बारे में स्कॉलरशिप के मुतलिक काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेशन होते। तो मैंने भी उन लोगों से इन स्कॉलरशिप के बारे में सवालात किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जवाब मिले। और इधर काफ़ी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इस तरह के सेशन अटेंड करें। और आप लोगों का जो ख्वाब है कि मैं बाहर जाके MS के लिए, PhD के लिए उधर, मतलब ख्वाब है कि मैं उधर जाऊं, तो कोशिश करें कि आइंदा इस सेशन में शिरकत करें और आप लोगों का भी कुछ मिलेगा सीखने को कि हम कैसे आगे जाएँगे। मेरे नज़दीक FES हायर एजुकेशन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, स्पेशली फॉर द मर्दान स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म फॉर द करियर काउंसलिंग है, ताकि बच्चों को पता चले कि आफ्टर दियर 12 ईयर्स आर मास्टर आर 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर। अब मैं खुद फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमनापर यूनिवर्सिटी, जो कि स्कॉटिश यूनिवर्सिटी है UK की, कंट्री मैनेजर फॉर पाकिस्तान रीजन हूँ। वी आर ऑफरिंग एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज ऑन 3 कैंपसेस लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग। इसके अलावा हमारे जो फैसिलिटेशन है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी बच्चे की अच्छी इंग्लिश हो, यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग वगैरह में वो ठीक है और उसकी यूनिवर्सिटी से उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिल सकता है आफ्टर हिज 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन, सो वी आर हैप्पी टू गिव हिम एग्जम्पशन फ्रॉम IELTS। अब ये एक सी चीज़ है जो कि बच्चों को आराम से एडमिशन UK की किसी यूनिवर्सिटी में भी मिल सकता है, लाइक वी आर ऑफरिंग, सो देयर आर फ्यू अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। लेकिन हम एक्चुअली क्लेम करते हैं कि वी आर द बेस्ट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ विच वी आर ऑफरिंग टू द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। दूसरी बात, अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर हम यहाँ बात करते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो फैसिलिटीज़ है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेन थिंग है बाहर जाने का जो पर्पस है, वो बच्चे की डिग्री यहाँ, एजुकेशन यहाँ पे भी मिल सकती है, लेकिन एक्सपोजर जो उसको बाहर से मिलता है वो एक्चुअली समथिंग जिसके लिए वो अपने लाइफ का मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में बाहर जाने में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है बच्चे का एक्सपोजर हो जाता है, उसके जो पर्सनालिटी ग्रोथ है, उसकी जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं वो एज़ कम्पेयर टू लोकल स्टूडेंट्स काफ़ी जो हैं वो हाईली डिमांडेड हो जाते हैं फॉर द मल्टी नेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीपल्स, फॉर द स्टूडेंट्स, दोज दो आर कमिंग फ्राम मर्दान सिटी और इसके साथ जो दूसरे नज़दीक छोटे सिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे एक फील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह
फैमिलीज़ की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और बच्चों की अभी खुद भी एक सोच बन गई है कि दी नीड टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन फॉर देयर सेल्फ, फॉर देयर फैमिली एंड फॉर द नेशन। सो हम भी यहाँ पे हैं, हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों की काउंसलिंग कर लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे फ़ायदा मिल जाए। हम FES हायर एजुकेशन कंसल्टेंट्स इस रीजन में 2003 से हम यहाँ पे कंसल्टेंसी कर रहे हैं। मेन मकसद जो हमारा ये, हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड। जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है अब्रॉड स्टडीज में, स्टडीज़ के लिए, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। एक्सपो का जो मेन मकसद है हमारा, तो हम अक्रॉस कंट्री हम एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं। साल में दो बार मिनी एक्सपो भी होता है, हमारा एक मेगा एक्सपो भी होता है मर्दान के अलावा। इससे पहले हमारा पेशावर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हर सिटी में जहाँ तक हमारी अप्रोच हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर स्टूडेंट को अपना मैसेज हम वहाँ पे डिलीवर कर सकें। मेरा मकसद आने का ये था कि हम पहले भी FES ऑफिस में गए थे काउंसलिंग के लिए, हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब काउंसलिंग मिली, अच्छी तरह गाइड मिली। फिर आज हम इस मकसद पे आए हुए इस एक्सपो पे कि हम सीनियर से मिले इधर आके और सीनियर से थोड़ा काउंसलिंग लेके ना थोड़ा फैसिलिटेट हो जाए, थोड़ा मतलब गाइडेंस मिले हमें कि हमने जिस यूनिवर्सिटी के साथ मतलब अपने एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसका क्या सूरत हाल है, उसकी मतलब क्या मतलब कंडीशंस है। मेरा नाम हमजा अली खान है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मेरी बीएस कंप्लीट हुई है सोशियोलॉजी में। इस एक्सपो के हवाले से हमें काफ़ी गाइडेंस मिली है और काफ़ी काउंसलिंग, और ऐसी एक्सपोज की हमारी मर्दान, हमारे शहर में ज़रूरत भी है क्योंकि बिग सिटी जो जितने भी है, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, उसमें तो होते हैं काफ़ी एक्सपोज होते हैं, मगर जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं मर्दान, यहाँ पे काफ़ी कम, मतलब कि ये पहली एक्सपो है जब मैं आ रहा हूँ, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि कोई एक्सपो हुई भी है कि नहीं हुई है। तो मुझे खुशी हुई ऐसी एक्सपो हमारे शहर में अरेंज हुई, हम जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी अवेयरनेस और काफ़ी गाइडेंस मिली है, इनकी काउंसलिंग से हम काफ़ी मुतमईन हैं और हमें UK, US, कनाडा के हवाले से और बाकी ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से काफ़ी काउंसलिंग मिली है, काफ़ी अवेयरनेस मिली है और हम इसके अहल हो भी गए कि हम किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करके। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इस एक्सपो में शिरकत करके, टाइम ज़ाया नहीं किया, मुझे मेरा टाइम का भी कीमती गया और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं FES के बारे में बताता चलूँ। FES वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 विद द बेसिक विजन ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट काउंसलिंग सर्विसेज टू द स्टूडेंट जो स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हैं। वी हैव 12 ऑफिसेज इन पाकिस्तान, वी हैव इंटरनेशनल ऑफिसेज इन UK, मलेशिया एंड दुबई, और हम हर साल एजुकेशन एक्सपोज कराते हैं। और एजुकेशन एक्सपोज कराने का हमारा बेसिक एक मकसद ये है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लोकल यूनिवर्सिटीज़ और लोकल स्टूडेंट्स के साथ ब्रिज करें, ताकि हम लोकल स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो आएँ और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ मिलें और इन्फॉर्मेशन हासिल करें रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, रिगार्डिंग करियर प्रॉस्पेक्ट्स इन दोज़ कंट्रीज़। तो हम हर साल दो दफ़ा ये इवेंट्स कराते हैं, एक इवेंट हमारा मार्च अप्रैल में होता है और सेकेंड जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, और ऑल दीज इवेंट्स आर अरेंज थ्रू आउट दी अक्रॉस द कंट्री। तो जिस तरह आज हमारा मर्दान है, उसके बाद वी आर मूविंग टू सियालकोट, उसके बाद फिर हम जाएंगे मुल्तान, गुजरांवाला एंड देन कराची। सो वी ट्राई टू बी ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि हम उनकी एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से उनको एक ही प्लेटफॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें।